welcome back to my channel. Me Injun Hangar. तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, please like my video and subscribe my channel. तो आज मैं बनाने वाली हूँ वो हिंदी स्टोरी लालची भाई. और बेल आइकन को भी क्लिक कर देना, क्योंकि जब भी मैं ऑनलाइन आऊँ आपको पता चल जाओ मैं ऑनलाइन तो आती ही रहती हूँ. दो भाई थे, एक का नाम रोहन और एक का नाम राहुल था. दोनों बचपन से ही बहुत प्यार करते थे. जैसे ही राहुल की शादी हुई, रोहन और राहुल में उतने ही झगड़े बढ़ते रहे. और जैसे जैसे झगड़े बढ़ते रहे, वैसे ही दोनों ने एक फ्लैट लिया और उसमें अलग अलग रहने लगे. जब राहुल की एक लड़की हुई, तब रोहन बहुत बेताब था उसकी लड़की देखने के लिए, पर बेचारा वो देख नहीं पाता था. एक दिन राहुल की लड़की बोली, पापा क्या मैं खेलने जाऊँ? तो उसके पापा ने बोला, हाँ जाओ. तो वह ग्राउंड में खेल रही थी और उसके बगल में एक सीढ़ियाँ थी जो रोहन के घर से जाती थी. एक दिन वो लड़की पेपर से खेल रही थी, वो पेपर सीढ़ियों के पास चला गया. वो बहुत घबराई. वो पेपर निकालने की बहुत कोशिश करती थी, पर वह निकाल नहीं पाई और वह वो फंस गई. फिर वो रोती रही, कोई उसकी बात नहीं सुना. फिर ऊपर जो उसका भाई रोहन रहता था, वह उसको राक्षस समझती थी. पर तब भी रोहन आया और उसकी बेटी को निकाल दिया. पर वह बहुत डर गई और कही, मुझे मत छू. और वह जल्दी से अपना पेपर लेके भाग गई वहाँ से. और जैसे जैसे उसको वो दोनों खेलने लगे, वैसे वैसे उन दोनों पर प्यार बढ़ता गया. और फिर उसके राहुल को बहुत गुस्सा आ गया. उसने कहा कि तुम इसके साथ खेल भी कैसे रही? आपकी बार खेला ना तो तुम्हारे टांग तोड़ लूँगा, तुम इसी रूम में बंदी रहोगी. वह राहुल अपनी बेटी को बहुत मना करता, पर तब भी वो नहीं मानती. एक दिन वह गुस्से में आके ये सब बोल दिया, अब तुम इसी रूम में बंद रहोगी, तुम्हारा बाहर निकला खाना सब कुछ बंद कर दिया है. और वह जैसे जैसे एक रूम में रहती थी, वह बहुत ही बोर होती रहती थी और उसकी याद सोचती रहती थी. मतलब वह उसे याद करती रहती थी. और वह रोहन उसका भाई उसके रूम के बाहर ही खड़ा रहता था. वो उसका इंतज़ार करता था, वह कब वो बाहर रहेगी, पर वो आती नहीं थी. वह एक तो उसकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई और फिर उसे डॉक्टर को बुलाया गया. डॉक्टर ने कहा कि इसको कुछ नहीं हुआ है, इसके अंदर कोई बात है जो आप लोग उसे पूरा नहीं करा रहे हो. उसकी माँ बोली, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, उसे कोई तो परेशानी है. नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. वह डॉक्टर कहा, इसकी कुछ अंदर बात है जो उसे वो करनी है, पर आप लोग नहीं करने दे रहे हो, इसलिए वह इतना उदास रहती है. और तभी तो उसे लगता है कि उसकी तबीयत ख़राब हो गई है. एक दिन वह राहुल और उसकी पत्नी अपनी लड़की के पास आए और कहे, बेटा क्या हुआ तुम्हें, क्यों तुम ऐसे शांत पड़ी रहती हो? पर उसकी बेटी बोल नहीं पा रही थी. और जैसे ही रोहन को ये बात पता चली, वह बहुत घबरा गया और बिना पूछे उसकी बेटी के रूम में आ गया. और जैसे ही उसकी बेटी ने रोहन को देखा, वह बहुत खुश हुई और कही, रोहन चाचू आप आ गए, अब हम खेलेंगे. तब उसकी बीबी और राहुल को सब बात समझ आई कि वह इसके संग खेलना चाहती थी, इसलिए वह इतनी उदास थी. वह उसकी बेटी कही अपने माँ बाप से, आप तो कहते थे कि ये राक्षस है, पर
ये तो बहुत ही अच्छे हैं, ये ना मुझे परेशान करते हैं। और एक दिन मुझे इनने चॉकलेट भी खिलाई थी, मुझे डर लग रहा था खाने में, पर जब मैंने खाई तब तो उसमें कुछ भी मिला नहीं हुआ था। आप क्यों इतने अच्छे लड़के से, इतने अच्छे चाचू से आप मुझे बात करने को मना करते हो और खेलने को? ऐसे थोड़ी ना करता है, वो तो आपका भाई है, तो भाई में तो ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। तब वह उसकी पत्नी और राहुल को एक सबक सीख में आई और वह रोहन और उसकी बेटी को खेलने देते थे। तो बच्चों आपको समझ आई ना कि जो अच्छा होता है उसे आपको गलत नहीं समझना चाहिए। तो कैसी लगी मेरी आज की वीडियो? अगर अच्छी लगी तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं आपको मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो तब तक टेक केयर एंड बाय।